हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस नॉलेज चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की किरण की सतह पर पड़कर वापस लौटने में जिन नियमों का पालन करती है उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज तीसरा क्वेश्चन यह है आवर्धन किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आवर्धन किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है, अर्थात m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। चौथा क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार, बस आदि के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और हमारा पांचवा क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, टॉर्च लाइट, वाहन के हेडलाइट, सर्च लाइट तथा रोगियों के नाक कान गले आदि की जाँच के उपयोग में किया जाता है।